सीटू के देशव्यापी आह्वान के तहत हमीरपुर में भी जिला सीटू व उससे संबंधित मंदिर का निर्माण मजदूर व अन्य संघों ने बारिश के बावजूद हाथों में छाता लेकर गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। हमीरपुर शहर में सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने बाजार में रैली निकाली और मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। सीटू के देशव्यापी आह्वान के तहत हमीरपुर में भी जिला सीटू व उससे संबंधित मनरेगा निर्माण मजदूरों व अन्य संघों ने बारिश के बावजूद हाथों में छाता लेकर गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। हमीरपुर शहर में सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने बाजार में रैली निकाली और मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। सीटू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पूरे बाजार में तेज बारिश के बीच रैली निकाली। सीटू के सचिव अनिल मनकोटिया ने कहा कि मनरेगा में बजट की कटौती और श्रम कानून नियमों की अनदेखी करने के विरोध में सीटू कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में बजट को कम किया गया है, जिसे बढ़ाया जाए। वहीं कल्याण बोर्ड के अंदर मजदूरों के हित के लिए पैसा मिलता था, जिसे बंद किया गया है, जिससे मजदूरों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। पूरे देश के अंदर जितने भी मेहनतकश लोग हैं, सीआईटी के बैनर तले मोदी सरकार का जो श्रम कानूनों में बदलाव करने को लेकर जो कल्याण बोर्ड को ख़त्म करने की जो साजिश है और उसके साथ साथ जितने भी जो मेहनतकश अवाम हैं, श्रम कानूनों में बदलाव लाकर जो है वो बड़ा उद्योगपति को फ़ायदा पहुँचाने की जो साजिश है, उसके खिलाफ जो है आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। और हमीरपुर के अंदर भी आज हमीरपुर की मेहनतकश जनता इस गांधी चौक पर मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियां, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है यहां पर आज सारे यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इसके साथ साथ हमीरपुर के अंदर जितने भी जो लोग यहां पर इकट्ठा हैं, उनकी मांग ये भी है कि जो मनरेगा का बजट जो मोदी सरकार ने कम किया है, उसको बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ जो श्रम कल्याण बोर्ड को ख़त्म करने की जो साजिश है और उसको उसका जो पैसा सीधा प्रधानमंत्री कोष में जमा करने की जो बात है, हम उसका विरोध करते हैं और सरकार इस चीज़ के ऊपर फिर से जो है वो इसके ऊपर विचार करे, ताकि जो कल्याण बोर्ड के अंदर जो पैसा मजदूरों के हित के लिए, उनको थोड़ी बहुत जो मदद उससे हो पाती है, शादी के लिए जो पैसा मिलता है या बीमार होने की स्थिति में कुछ पैसा मिलता है तो बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर वो पैसा जो है वो सीधा प्रधानमंत्री कोष के अंदर वो जाएगा तो उसमें जो है मजदूरों को अपना हक हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें पेश आएंगी। तो ये सारी जितनी भी जो मोदी का जो सेकंड टर्म जो चला है, पहले भी इन्होंने लगातार आम गरीब मजदूर आदमियों के हित में जो है किसी तरीके की नीति नहीं बनाई, पूरा देश बेचने की जो साजिश है, जितना भी आज़ादी के बाद जो जितनी भी जो संपत्ति देश के अंदर जो बनी थी उसको निजी हाथों में जो बेचने की जो साजिश है, हम उसका विरोध करते हैं। आप देखते हैं बंदरगाहें, आपके एयरपोर्ट, रेलवे, ये सारा BSNL, ये सारा जो है मोदी सरकार बेच रही है और सीधे तौर पर जो है हम ये आरोप लगाना चाहते हैं कि इससे BJP अपने लिए अंडर द टेबल जो है बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है और इस देश की संपत्ति को जो है वो निजी हाथों में बेचकर जो है आम जनता के साथ धोखा कर रही है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।